लाइव ना लाइव। चलिए नमस्कार प्रणाम। और आज बोला था कि आप लोग अपनी तो जैसी तैसी को बहुत जल्दी 100 मिलियन करिए, और आप लोगों ने किया भी। और मैंने आपको बोला भी था एक चीज़ कि नाच के मलकिनी का टीजर 1 मिलियन हो जाना चाहिए, तो आप लोगों ने उसको भी 1 मिलियन कर दिया। यस, तो दिल से थैंक यू कि आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, और बंगलिनिया को आपने इतना प्यार दिया, अब इसमें नाच के मलकिनी बनी हुई तो इस नाच के मलकिनी को भी इतना ही उतना ही प्यार दीजिएगा, उससे ज्यादा दीजिए। ये सारे रिकॉर्ड को तोड़ना चाहिए, और मुझे लगता है कि आपके आशीर्वाद इतना मिलता है कि सारी को और सारे कलाकारों को कि आप दुनिया के सारे रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। तो इतना प्यार और इतना शेयर और इतना लाइक करिए कि इसका एक अलग इतिहास बने। हर गाने का आपने अलग इतिहास बनाया है, तो मुझे लगता है कि इसका भी इतिहास आप लोग जरूर बनाएंगे, क्योंकि आशा नहीं है, विश्वास है, और घमंड भी होता है आप सबको लेके मुझे कि आपका बेटा हूँ मैं, आपका भाई हूँ। तो चलते हैं अब हम उधर जिधर बहुत सारी चीजें, आप आगे आइए। अब ये नाच के मलकिन पीछे है, मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत सारे रिकॉर्डिंग गाने के साथ जोड़ दिया है। बिल्कुल, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे अच्छे गाने लेकर आए, अच्छी अच्छी चीजें लेकर आए आप सबके बीच में, ताकि आप हमेशा ऐसे ही मोहब्बत और प्यार बरसाते रहिए अपने भाई और अपने बेटा पे। और कल फादर्स डे था कि, और मैं जितने भी फादर हैं हमारे, जितने भी मुझे बेटा मानते हैं, सबको दिल से प्रणाम, और ऐसे ही आशीर्वाद इस बेटे पे बनाए रखिए कि अच्छी अच्छी चीज़ें आप सबके बीच में लाए हम, और आपका प्यार और आशीर्वाद हमें मिलता रहे। तो और ये हमारे बद्री झा जी हैं, बाबा हैं, ये प्रभु ये गाना जो हम लोगों ने किया था, तो इतना प्यारा लुक, हर बार जो आप इस तरीके से उधर से जैसे तैसे कंप्लीट, यू कम क्लोजर ना, कम क्लोजर, और परदेशे में बहुत जबरदस्त लुक आपका है, और इस गाने में तो आपने लुक के बारे में कुछ बताएंगे जो इन्होंने तो सिर्फ कपड़ा डाला है, बाकी चीजें तो मैंने मेहनत करके बनाई है और इनके लिए बनाया है, पूरी क्रेडिट जनता को जाता है। हम अपने जीवन में जो भी करते हैं सिर्फ आपके लिए करते हैं। मैं बहुत अलग था, आप लोगों ने भी देखा था मुझे कि मेरे जीवन क्या थी, और मैंने अपने आप को वर्कआउट करके, जिम करके, दौड़ के, भाग के, कोशिश करके मैंने खुद की अपनी बॉडी भी एक अलग की, और ये क्रेडिट तो इनको जाता है। हाँ, नो डाउट। और ये चेहरा जो है वो मेरे माँ बाप को जाता है लेकिन कपड़ों का क्रेडिट उनको जाता है क्योंकि उन्होंने इतना सुंदर बेटा पैदा किया। नहीं, लेकिन जोक्स अपार्ट, बट एक चीज मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने 15 साल बहुत जगह काम किया फिर इस इंडस्ट्री में आया, लेकिन इनको कुछ भी बता दो ये करना है तो पीछे नहीं हटते, मतलब अगर आपको आपको कॉन्फिडेंस है तो ये बिल्कुल उसके लिए रेडी रहता है। तो इसके लिए बद्री शाह की सबसे बड़ी क्वालिटी बता दें आप सबको कि ये आदमी अपने वर्क के लिए पागल है, ये इतना पागलपंती करते हैं भाई जी। ये पहले बताइए, गाना एक सूट होता है, कम से कम 15 जूते जाते हैं मेरे लिए पहनने के लिए, 15 जूते मैं एक गाने में कैसे पहन सकता हूँ, कम से कम
20-20 कपड़े जाते हैं कि नहीं ये नहीं अच्छा ये नहीं ये रहे, सबको ट्रायल करता हूँ, जो इनको लगता है कि ये हमारे हमारे गाने के लिए बेस्ट है उसी को ये पहनाते हैं। और इसमें सबको क्रेडिट जाता है, यानी महेश अन्ना को जिन्होंने कैमरा किया अपनी, तो जैसी तैसी के लिए तो शायद ही नहीं थे उसमें फिरोज भाई थे, लेकिन जो गाने हमारे इधर हुए हैं 4-5 गाने जो हुए हैं उसमें महेश अन्ना जी और हमारे डांस मास्टर इनका भी बहुत योगदान है, पार्थिव जी का भी बहुत योगदान है। स्टोरी बताता हूँ, मतलब हमारे जो कोरियोग्राफर हैं वो जब ये अपने को जैसे तैसे कर रहे थे तो बेचारे नर्वस में चोक हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद तो खेसारी जी को बताना पड़ा एक तो के तो इस तरीके से ये मतलब टैलेंट को इतना ये नहीं थोड़ी है, हम भी इंसान हैं और मुझे लगता है कि हर इंसान को काम करने का ठीक है, एक होता है ना कि एक आवरा पड़ा होता है तो इंसान लगता है कि कैसे हम कुछ बता पाएंगे, लेकिन हम यही कोशिश करते हैं कि सबको फ्रेंडली एक दोस्त की तरह एक भाई की तरह रखे आदमी। और ठीक है आपके स्टार्डम पर्दे पे अच्छे लगते हैं, बाकी नेचर में इंसान को एक इंसान ही बन के रहना चाहिए और हम भगवान नहीं हम इंसान हैं और कोशिश करते हैं कि इंसान बनकर ही पूरे जीवन रहे ताकि जीवन में कोई तकलीफ ना हो। तो मैं जितने भी जनता जनार्दन आज मुझे नाच के बल गिनी के गाने को इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाना है आप सबको 1 घंटे में इतना बड़ा रिकॉर्ड कि अब आपके ऊपर है, आप जितना भी बनाएंगे हमारे लिए होगा, बट मैं चाहता हूं कि वो आपका रिकॉर्ड है और हमेशा अपने रिकॉर्ड बना जाए खेसारी लाल यादव के लिए। तो मुझे लगता है कि इस गाने को भी इतना बड़ा रिकॉर्ड और इस गाने को लिखने वाला जो लड़का है विशाल भारती, दिल से प्रणाम है आपको, बक्सर के रहने वाले हैं विशाल भारती। और उस गाने को पहली बार मुझे अखिलेश कश्यप जी ने सुनाया था विशाल भारती के द्वारा, फिर संजय जी ने सुनाया, फिर सोनू आए, विवेक आए और बद्री झा जी, फाइनली जब हम गा रहे थे फिर पहुंचे। ये गाना मैं अपने चैनल के लिए रखा करूंगा, हमारे चैनल पे जाएगा खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड के लिए रखा था, लेकिन कोई बात नहीं ये भी मेरा ही चैनल है, मैं जहाँ जहाँ गाता हूँ सब वो मेरे अपने चैनल है और मुझे पसंद करने वाले लोग भी मेरे अपने हैं, तो इसमें कोई नहीं, कहीं से आपके बीच में तो जा रहा है, चाहे वो सारे गवा भोजपुरी से जाए या खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से जाए चाहे किसी भी चैनल से जाए। और एक और गाना मेरा बहुत बढ़िया ऑडियो आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है लिटिल चोखा का, नई लड़की है, तो कोशिश है कि सबको ब्रेक मिलना चाहिए, सब लोग काम करें, हर आदमी आकर अपनी चीज़ों को बड़ा करे और उस टैलेंट को आपको बड़ा करना है चाहे वो जो भी टैलेंट। इसमें मैं ज़रूर कहूँगी मैंने ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में काम कम करके ना के बराबर कर दिया था एंड इट इज ओनली हिम खेसारी जी हु हैज एक्चुअली वॉन्टेड मी टू डू गुड वर्क, तो उन्होंने मुझे गाने के लिए रिकमेंड किया एंड स्पेशल थैंक्स टू यू कि आपने मेरी इंडस्ट्री में वापसी एक सही तरीके से की और वो बंगलिनिया से है, इसका क्रेडिट हमेशा इनके लिए रहेगा। और सेकंड सॉन्ग अच्छा क्रेडिट क्यों दे, आप मेरी सीनियर है, सबसे बड़ी चीज कि हम आपको देखकर इंडस्ट्री में आए, आपको देखकर हम इंडस्ट्री में आए हैं, हमें कोई हक नहीं है आपको ब्रेक देने का, होता क्या ब्रेक तो उसको दिया जाता है जो जिसको दुनिया नहीं जानती है, आपको ब्रेक थोड़ी मिला है। हाँ एक चीज ये थी कि आप जिस चीजों से दूर हो गई थी उस चीज में फिर से आपने हमारे बदौलत फिर से तलाक न्याय करना है, थैंक यू वो मैंने आपको ब्रेक नहीं दिया है, वो आपका हक था और इंडस्ट्री अरे ताली वाली बजाते रहते हैं तो थोड़ा थैंक यू सो मच, ये हमारे पे हमारे चैनल पे पहला सेंचुरी हमने मारा है तो थैंक्स टू यू, वेरी स्पेशल जी। हाँ अब सबसे बड़ी कुछ इस बात की है कि सारे गाना हम भोजपुरी से पहला ऐसा गाना है जो 100 मिलियन हुआ है बहुत कम टाइम में, बहुत कम टाइम में हुआ है और बाकी लोगों के भी बाकी मेरे भाइयों के गाने हैं वो भी होंगे आज ही जो कल होंगे, इसमें खुशी की भी बात नहीं है दुख की भी बात नहीं है, जिसको जितना जो पसंद करते हैं सबका अपनी ऑडियंस है, सबके अपने प्यार करने वाले लोग हैं और
इस गाने को भाई विजय चौहान ने बहुत अच्छा लिखा था, कंपोजिशन भी बहुत अच्छा की थी और इस गाने को अपने और आर्या शर्मा ने म्यूजिक बहुत अच्छा बनाया था और शिल्पी जी ने बहुत अच्छा गाया है। मतलब सारी लोगों ने बड़े ईमानदारी से मेहनत की है और सारे गामा ने जो मेहनत की है वो तो अलग लेवल है और उससे भी बड़ा लेवल आप सबका है जो आपने इसको इतनी मोहब्बत और प्यार से भर दिया है। मैं जो भी जीवन में करता हूँ चाहे वो केक काटूँ या मेरे जीवन की खुशी जो भी है आपके बदौलत है कि आप लोगों ने मुझे इस लायक बनाया है, नहीं तो मैं क्या था ये आप भी जानते हैं। मेरे जीवन की हर वो सच्चाई मुझे लगता है कि मैं ये ऐसा आर्टिस्ट हूँ जिसकी जीवन की एक एक पल आप सबको पता है क्योंकि मैं कभी छुपाता ही नहीं कि मैं क्या था क्या नहीं। हाँ आज यहाँ तक आया हूँ तो अलग मैटर है क्योंकि आपका प्यार इतना है, आपकी लगन है और ऑडियंस का आपके प्रति प्यार है। बात ऐसा है कि मेहनत आप भी उतनी ही करती है, मैं भी करता हूँ, ये भी करते हैं सब लोग, लेकिन वो रिजल्ट सबको नहीं मिलता। जिसको प्यार मिलता है मुझे लगता है कि वही दुलारा बेटा होता है, वही दुलारी बेटी होती है। अच्छा आपने बोला था ऑडियंस को कि इस टीजर को 1 मिलियन करने के लिए और 1 मिलियन हो गया, तो मैं बोला था कि आप लोग 1 मिलियन किए टीजर और आपने किया, आपको दिल से प्रणाम, दिल से थैंक यू मेरे जनता भगवान कि आप जैसे भगवान अगर हमारे मंदिर में है तो मुझे लगता है जी पूरी दुनिया लाइन लगा कर पूजा जरूर। अच्छा ये पहली बार हुआ कि टीजर 1 मिलियन हुआ है? हाँ टीजर तो बहुत कम ऐसा होता है और शॉर्ट टाइम में 1 मिलियन हुआ है, मुझे सबसे शॉकिंग है। टीजर 1 मिलियन जाने में अलग लेवल हो जाता है, हाँ नहीं हो पाता बिल्कुल नहीं, बट पहली बार ऐसा हुआ है। पर आपने रिक्वेस्ट किया था, मैंने बोला था और यही तो इनकी खासियत है कि मैं जब भी हाथ इनके सामने जोड़ता हूँ ये भर भर के आशीर्वाद मुझे देते हैं, तो दिल से प्रणाम है। और इस गाने में ये मलकिनी है, एक और मलकिनी है आकांक्षा दुबे जी जो कि अभी शायद रास्ते में है, वो भी आ रही हैं तो आप सबके बीच वो भी आएंगी। और जिस तरह रेड कार्पेट पे पहला मैं सॉन्ग भोजपुरी में पहली बार ऐसा हुआ था, पहली बार रिलीज हुआ था रेड कार्पेट होता है ना, तो रेड कार्पेट कार्पेट तो पहली बार हम लोगों ने किया था परदेसिया को, मैंने भोजपुरी में तो पहली बार ही हुआ है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हर आर्टिस्ट करे और करना चाहिए और हर कंपनी को करना चाहिए, एक अलग लेवल होता है, थोड़ा सा मजा आता है, हम भी इंजॉय करते हैं, नहीं तो हमारा गाना कब रिलीज होता है हमें खुद ही पता नहीं चलता लेकिन जब ये होता है तो सबको एक्साइटेड होती है चाहे वो आर्टिस्ट हो। स्पेशल प्रमोशन बहुत जरूरी हो गया है ऑडियंस तक। लेकिन भाई जी आपको एक थैंक्स, स्पेशल थैंक्स तो देना पड़ेगा आपके ऑडियंस को कि सिर्फ प्रीमियर पे 35,000 लाइक्स है आपके और 30,000 का दुबे जी जो कि नाच के मलकिनी देखे, दोनों मलकिनी हम बीच में आ गए अलग लेवल है ना, सो के आई इसी कपड़े में तो मजा आता है थोड़ा सा। हाँ तो कितना टाइम हो गया हम लोग के पास अभी, और 8 मिनट है, 8 मिनट हम लोग और भी बातें कर सकते हैं और पकाना पड़ेगा क्या, बेचारे पक गए होंगे हमारे जितने भी प्यार करने वाले। अब देखिए हमने तो आपको बहुत सारी चीजें बता दी है, आकांक्षा बताएं दुबे जी हैं, ये मेरे साथ एक सिनेमा भी की थी मेरी जंग मेरा फैसला और उसमें हीरोइन थी है और आने वाले भविष्य में भी हम एक दूसरे के लिए काम करेंगे और एक दूसरे के लिए सपोर्ट से काम करेंगे ताकि अब तक वो चीजें जाए। और बंगलिनिया तो मेरे साथ ही हैं, ये तो कर ही रही हैं और मैं चाहता हूँ कि जीवन में जब भी आपको कुछ नया देखना हो तो टैलेंट को लाना ही पड़ेगा, हर आदमी को हक है, हर लड़की को हक है अच्छा काम करने का, चाहे वो नई हो या पुरानी हो, तो हर आदमी को आप सब प्यार और आशीर्वाद दीजिए ताकि आपके प्यार और आशीर्वाद से हर आदमी बड़ा हो। आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा कैसा था एक्सपीरियंस, मतलब ये आफ्टर अ लॉन्ग आई थिंक, अच्छा गाना तो पहली बार किया होगा, मैंने ऐसा शूट तो ये भोजपुरी इंडस्ट्री में पहली बार देखा और इस टाइप का शूट पहली बार देख रही हूँ कि हमारी इंडस्ट्री में कोई कर रहा है, बिकॉज हमारे इंडस्ट्री में सब काम करते हैं तो वो वही सब घिसी पिटी चीजें, अगर नई चीजें कर रहे तो घिसी पिटी चीजें ला देते हैं। थैंक्स टू अ लॉट बद्री जी, आप हमारे लिए इंडस्ट्री का ट्रेंड चेंज कर रहे हैं, आप लोगों का माइंड चेंज कर रहे हैं, लोग नहीं समझ रहे हैं। बद्री जी की काफी तारीफ करते हैं, बद्री जी
एक मैं आपको ट्रिविया बताता हूँ, परदेशिया का जो रील चैलेंज हुआ था हाईएस्ट रील पे लाइक इन्हीं का था। तो आपको ये कैसे पता चला कि रील करते साथ गाना भी मिल जाएगा, ऐसा कुछ था क्या? मतलब हाईएस्ट परदेशिया का रील आपने बनाया जो सबसे ज्यादा लाइक कारवा दिए? हाँ वो दे नहीं पाया। अच्छा ठीक है, बट सारे का कारवा का एक बहुत बढ़िया रेडियो है। अच्छा वी नीड दैट, हां वी नीड दैट। इसमें 500 सुन रहे हैं, हां 5000 हम तो पाने समझते नहीं, छोटा वाला वो हमको मिला। आपके पास आपको 10000 है आपके पास, आप लोग को भी मिलेगा ये। तो आपका तो आप तो कुछ कह रहे थे। मैं ये बोल रही थी कि जितने भी भोजपुरी दर्शक है, जितने भी हमारे ऑडियंस है, इस गाने को देखिए और बहुत ज्यादा प्यार दीजिए, लाइक कमेंट करिए, और जितना मेहनत बद्रे जी ने इसमें हम लोग को उनको सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है कि इन्होंने फर्स्ट टाइम से लेके जो बद्रे जी कर रहे हैं। बद्रे जी बहुत मेहनत किए सच में, थैंक यू। और मैं पूरी टीम को थैंक यू बोलना चाहूंगी, खेसारी जी को, पाखी जी को, कि इन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया शूटिंग पे। वो कैमरामैन भी बोल दे विवेक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी मिस्टेक तो मैं बहुत नर्वस थी। उसके बाद में फिर मेरी नहीं जब मुझे अनकम्फर्टेबल फील नहीं, वो होता है की सामने वाले एक्ट्रेस वो जो आप लोगों में झगड़ा हुआ तो बता दीजिए, झगड़ा हुआ जो स्टेज पे नहीं, खेसारी जी का ज्यादा कौन दिखेगा वो वाली बात बताइए प्लीज, वो इम्पोर्टेंट था वो, जिसकी वजह से सेट शूट डिले हो गया था हम लोगों का। और आप बोले थे सेट छोड़ के जाएं, हाँ प्लीज बताइए। मैं कुछ नहीं बताइए, क्यों हम लोगों के बीच में आप लोग नाच की मलकिनिया बना रहे हो? लेकिन खेसारी जी बोलेंगे कि उनको मेरे साथ काम करके कैसा लगा, कैसा मुझे हर आदमी के साथ काम करके ऐसा लगता है जो अपने काम को भगवान की पूजा की तरह समझता है। और आपने 2 बजे दिन को आई आप, और 2 बजे से लेकर और मुझे लगता है कि हम लोग 9 बजे रात तक काम किया। सुबह 10 बजे 2 बजे दिन से लेकर सुबह 10 बजे दिन तक, और आप लोगों ने रेडी होकर बैठे, एक पहला हम लोग गाना शूट कर रहे थे, उसके बावजूद भी आप होता है ना प्रेशराइज जो इंसान होता है, यार क्या कर रहा है, मेरा काम नहीं, तो आपने अपने काम को अंजाम दिया और अंजाम आज आप सबके सामने है और पूरी जनता के सामने है। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि आप अपने काम को पूजा समझते हो, तो ये मेरे लिए अच्छा है। और आकांक्षा, मैं पहले आपको देखा करता था और आज देखा तो उसमें मुझे लगा कि दिल्ली आसमान का अंतर है। आपके काम करने का तरीका, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका डांस, आपकी एक्सप्रेशन, सारी चीजें उससे बहुत डिफरेंट है। आज एक आप कंप्लीट एक्टर की तरह हो। मेरी शुभकामना है पूरे ऑडियंस को से बोलूंगा कि हम लोग अब यहाँ पे बाय बाय बोलेंगे और सब लोग सारे गामा के यूट्यूब पे आ जाएं, सारे गामा के यूट्यूब गाना लाइव होने वाला है। बाय बाय लवे, और ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, तो आप लोग जितना मुझे फॉलो कर सकते हो फॉलो करो, और कुछ लोग तो अनफॉलो भी करते हैं, जो अनफॉलो किए हैं वो सब फॉलो करें वापस से, और जो फॉलो कर रहे हैं वो दुनिया फॉलो, मुझे ऑडियंस अनफॉलो नहीं करती है। मुझे मेरे इंडस्ट्री के लोग ही अनफॉलो करते हैं, मुझे ऑडियंस से तो इतना प्यार है और इनको इतनी मोहब्बत है मुझसे कि शायद मुझे लगता है कि एक भक्त और भगवान का रिलेशन है। ये मेरे लिए भगवान है, मैं इनका भक्त हूँ, और भगवान भक्त से कभी नाराज होता ही नहीं है। जानते हैं कौन होता है? जो बगल में मूर्ति होती है, बगल में भक्त जो होता है ना कि नहीं पहले मैं जाऊंगा, वो ऐसे वाले भक्त। तो इंडस्ट्री के कुछ लोग तो मुझे अनफॉलो कर ही चुके हैं, तो जितना बचे वो करिए दस यार।
लेकिन नहीं, सॉरी मजाक कर रहा था। आप सबका प्यार हो, चाहे इंडस्ट्री के लोग हो या मेरे ऑडियंस हो, सबके दिल में सबका चहेता हूँ, बेटा हूँ, बस ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए। और मैं जानता हूँ कि आप मुझे हमेशा प्यार करते हैं, करते रहेंगे, बशर्ते कोशिश करता हूँ कि अच्छा काम करूँ। और आप इन दोनों को भी इतना ही आशीर्वाद और प्यार दीजिए जितना बाकी लोगों को मिलता है, और आप इतने अनमोल हैं कि आप सबको देंगे। ठीक है, हम लोग वहाँ पे सारे का यूट्यूब पे, लाइव हो जाएगा।